नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की हाइट किसने नापी और कैसे नापी होगी? अगर नहीं जानते आप ये सब माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माउंट एवरेस्ट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आज हम आपको बताते हैं उस महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने पहली बार एवरेस्ट की हाइट को नापा था और दुनिया को इस सबसे ऊंची चोटी के बारे में पता लगा, और उन्हीं के नाम पर इस पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। तो वो व्यक्ति हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट का नाम एक ब्रिटिश सर्वेयर और जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। सर एवरेस्ट ने ही पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी, इसीलिए उनके नाम पर ही 1865 में माउंट एवरेस्ट को नाम दिया गया। इससे पहले इस पर्वत को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जो ये माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसको तिब्बत में कहा जाता है चोमो लांगमा, और इसे नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। तो इन्हें तिब्बत और नेपाल, इनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो ये महान सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट थे, ये भारत में 1830 से लेकर 1843 के बीच में सर्वेयर जनरल रहे थे, और इसके बाद 1862 में ये रॉयल जियोग्राफ सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे। अपने इस कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने कुछ ऐसे उपकरणों का विकास किया जिससे इस पर्वत के सर्वे के सटीक आंकलन प्राप्त किए जा सके, और अपने इन खास उपकरणों से ही उन्होंने एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी बताया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। ये चढ़ाई इतनी दुर्गम और इतनी थका देने वाली होती है कि इस चढ़ाई के लिए आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इसकी चढ़ाई को कर सकेंगे। तो माउंट एवरेस्ट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इससे पहले आप ये नहीं जानते होंगे कि इस माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम किनके नाम पर पड़ा है, माउंट एवरेस्ट। तो हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।